वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के वीडियो में से हमने 1 से लेकर 15 मई 2020 के करंट अफेयर्स में से कुछ इम्पोर्टेंट 30 MCQs का एक वीडियो आपके लिए तैयार किया है विद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। PDF का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है, उस देश का क्या नाम है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी ने हाल ही में पहले वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। यह प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद था और पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का यह 11वां सत्र था, जिसकी जर्मनी द्वारा मेजबानी की गई है। सम्मेलन में लगभग 30 देशों ने भागीदारी की गई थी। भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर किस देश को दे दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि सर्बिया को हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी दे दी गई है, और इसका आयोजन सर्बिया के बेलग्रेड में इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत को दिए गए पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत से छीन कर अब सर्बिया को दे दी है। भारत के द्वारा फीस नहीं जमा कराने के कारण भारत से मेजबानी अधिकार छीन लिया गया और इसके बाद सर्बिया को इसकी मेजबानी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतर्कता आयुक्त के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? सतर्कता आयुक्त, आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, सुरेश एन पटेल को हाल ही में सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी गई है। यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये सुरेश एन पटेल जो कि सतर्कता आयुक्त हैं, यानी कि विजिलेंस कमिश्नर हैं, जबकि मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं CVC जिसे कहते हैं, वो हैं संजय कोठारी, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई थी। ठीक है, के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। हाल ही में सुरेश एन पटेल को सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति दी गई है। केंद्र सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अनुसार अध्यक्ष के रूप में एक केंद्र सतर्कता आयुक्त होता है इसमें, और दो सदस्य के रूप में इसमें दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कितने राज्य या केंद्र शासित राज्य और जोड़े गए हैं? पहले इसमें 12 राज्य शामिल थे इस योजना के अंतर्गत, अब इसमें कुल कितने राज्य हो गए हैं? इसके अंदर अभी हाल ही में 5 राज्य और शामिल किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में 1 मई को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को इसमें शामिल कर लिया है, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव और हिमाचल प्रदेश को इसमें शामिल कर लिया है। इससे पहले ही इसमें 12 राज्य इसमें शामिल थे, जिनके नाम हैं केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और त्रिपुरा। ये 12 राज्य पहले शामिल थे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में, और 5 राज्य और शामिल कर दिए हैं, तो अब कुल राज्यों की संख्या हो गई है इसके अंदर 17। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया है? GI टैग किस राज्य के काले चावल को दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि मणिपुर राज्य के काले चावलों को हाल ही में GI टैग दिया गया है। ठीक है, ये फोटो इन काले चावल का आप देख सकते हैं, जिनको GI टैग मिला है हाल ही में। इस चावल की किस्म का रंग हल्का गहरा काला होता है और अन्य चावल की तुलना में इनका वजन अधिक होता है। एंथोसाइनिन एजेंट के कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है, चीन की पारंपरिक रोटी नूडल्स राइस के एक व्यंजन में उपयोग किया जाता है इस काले चावल को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारत सरकार ने कौन सी योजना के तहत 500 रुपये की दूसरी किस्त जारी की है? हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 500 रुपये की 3 किस्तें जमा करने का इसमें जो घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार दूसरी किस्त हाल ही में जमा कर दी गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। यह इस योजना का लोगो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500 रुपये दिए जाएंगे। हाल ही में दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। ठीक है, और इसमें इस राशि को उन खातों में जमा किया जाएगा जो कि महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाए गए थे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने मंगल हेलीकॉप्टर के लिए क्या नाम चुना है? मंगल हेलीकॉप्टर के लिए इसका आंसर ऑप्शन डी है, इंजीन्यूटी नाम रखा गया है नासा हेलीकॉप्टर का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ये इसका फोटो है, नासा हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नासा के मार्स हेलीकॉप्टर को इंजीन्यूटी नाम दिया गया है जो मंगल पर किसी विमान की पहली कोशिश की जाने वाली उड़ान होगी। यह नाम नासा के नेम द रोवर एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी वहां पर, उसके प्रतियोगिता में यह नाम सामने आया था। मंगल हेलीकॉप्टर जिसका वजन 2 किलोग्राम होगा और सौर ऊर्जा से चलने वाला एक विमान है। विमान में 30 मंगल दिनों की प्रायोगिक परीक्षण उड़ान खिड़की भी है। नासा के मंगल मिशन का नाम है आर्टेमिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? इसका आंसर ऑप्शन ए है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस योजना के बारे में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी नाम से एक कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिन का रोजगार उनको दिया जाने की गारंटी है। कैबिनेट ने यह भी घोषणा की है कि जो लोग कार्यरत होंगे उन्हें भी अपने कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। शहरी रोजगार गारंटी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? उस देश का क्या नाम है जिसने हाल ही में ये घोषणा की है? आंसर इसका बी है, रूस ने हाल ही में घोषणा की है कि वह आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं, रूस ने हाल ही में इस वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सैटेलाइट इसका नाम रखा गया है आर्कटिका एम, आर्कटिका एम इसका नाम रखा गया है, और रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में जारी रिपोर्ट बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में इसका आंसर ऑप्शन सी है, न्यूजीलैंड देश इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं, ओपन बजट सर्वेक्षण जिसे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया जाता है हाल ही में जारी किया गया है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है न्यूजीलैंड इसमें। वहीं भारत का 117 देशों में 53वां स्थान है इस बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में, भारत का 53वां स्थान आता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार हाल ही में मिला है? उनका क्या नाम है तीनों का? तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त तीनों जैसे मुख्तियार खान, डार यासीन और कमल आनंद, तीनों को ही पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं, भारत के 3 वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट को दुनिया के पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, जिसमें कमल आनंद, उनके सहयोग मुख्तियार खान व डार यासीन को यह पुरस्कार दिया गया है। डार यासीन को पिछले साल कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के उपरांत वहां पर सराहनीय फोटोग्राफी करने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है, और पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। ये तीनों का फोटो है जिन तीनों को ही पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संसद की लोक लेखा समिति जिसे PAC भी कहते हैं, अधीर रंजन चौधरी को हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ पर कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, जिनको संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। लोक लेखा समिति जिसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कहते हैं, PAC भी कहते हैं, जो कि भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। यह समिति संसद के द्वारा निर्मित होती है और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए। इस समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और पोतो हो खेल विकास योजना है। तीनों ही योजनाओं को मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने के लिए इन योजनाओं को लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, झारखंड सरकार ने हाल ही में 3 कल्याणकारी योजना शुरू की है, जिसपे वहाँ निवासियों श्रमिकों को और आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए पर केंद्रित है। इन तीनों योजनाओं को महात्मा गांधी नरेगा रोजगार गारंटी
काम करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और पोतो हो खेल विकास योजना, तीनों योजना इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे NAM कहते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अजरबैजान देश ने हाल ही में 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे NAM भी कहते हैं, नॉन अलाइंट मूवमेंट के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान गणराज्य के द्वारा की गई है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का विषय रखा गया था यूनाइटेड अगेंस्ट COVID-19, इसका विषय रखा गया था। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है वह COVID-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया है? भारत सरकार की किस सेना ने हाल ही में ऑपरेशन समुद्र को सेतु को लॉन्च किया है? तो आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में, भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया था। भारतीय जहाजों को मालदीव के बंदरगाह पर भेजा जा रहा है, जिसमें INS जलाशु, INS मगर, इन दोनों ही जो भारत के ये जहाज इनको वहाँ भेजा गया था, और मालदीव में जो फंसे हुए भारतीयों को वहाँ से लाया गया था। इससे पूर्व ऑपरेशन संजीवनी भी चलाया गया था कार्यक्रम, जिसमें भारतीय वायुसेना ने मालदीव के साथ आवश्यक दवाओं और वस्तुओं का परिवहन किया था। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया था मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए, यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विशाखापट्टनम में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत हुई थी विजाग में, और यहाँ कौन सी गैस लीक हुई थी, उस गैस का क्या नाम है? उस गैस का नाम है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, स्टेरिन गैस थी वह जो वहाँ पर लीक हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित RR वेंकटपुरम गाँव में 7 मई को एक केमिकल यूनिट में हुए स्टीरिन गैस लीक से 11 लोगों की मौत हो गई थी। 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर ने पॉलिस्टायरीन और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों को बनाने के लिए विजाग में यह प्लांट स्थापित किया था 1961 में। 1978 में मैकडॉल एंड कंपनी ने इसका विलय हो गया, और 1997 में दक्षिण कोरिया की कंपनी LG केम ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था, और इन्होंने इसका नाम बदलकर LG पॉलीमर रख दिया था इस प्लांट का नाम। इसके अलावा 1984 में अब जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें मिथाइल आइसोनेट गैस लीक होने से वहां पर त्रासदी हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने मुद्रा स्फीति से बचने के लिए अपने देश की मुद्रा का नाम हाल ही में रियाल से बदल दिया है, बदल के टोमान रख दिया है? तो इस देश का नाम है ऑप्शन बी ईरान। देश ने हाल ही में मुद्रा स्फीति से बचने के लिए अपने देश की मुद्रा का नाम बदल दिया है। यहाँ देखते हैं अपन, ईरान सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदल के टोमन रख दिया है। ईरानी मुद्रा की इकाई रियाल है, अब 1 टोमन बराबर होगा 10,000 रियल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सबसे बड़ा निकासी अभ्यास कौन सा है? मालदीव में जो फंसे थे भारतीय, उनको निकालने के लिए समुद्र सेतु अभियान चलाया गया था, लेकिन विदेशों में और भी अन्य देशों में जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? उसका आंसर ऑप्शन बी होगा, वंदे भारत मिशन नामक अभियान चलाया गया था। सबसे बड़ा निकासी अभियान है भारत का जो विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है, जिसको मिशन को सबसे बड़े निकासी अभ्यास के रूप में भी माना जा रहा है। वंदे भारत मिशन का उद्देश्य दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया है? लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि चीन ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर, चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CMSA ने अपने शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B के सफल परीक्षण का दावा किया है। चीन ने 5 मई को दक्षिण चीन के दक्षिण प्रांत हेनान हेनान के वेंचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को बिना चालक दल के इसका वो लॉन्च किया था एक बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी है, 9 मई को हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था। इसकी थीम रखी गई थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, वर्ल्ड इस माइग्रेटरी बर्ड डे कहते हैं जिसे इंग्लिश में, और इसकी थीम रखी गई थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड।
प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर माह के दौरान के दूसरा जो शनिवार होता है उसमें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाया जाता है। इसकी कोई निश्चित डेट नहीं है इस दिवस को मनाने की। यह मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाई जाती है। इस वर्ष मई का दूसरा शनिवार 9 मई को आया था, इस वजह से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था। और इसके बाद अक्टूबर में एक बार फिर से यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम रखी गई थी, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, यानी कि बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? हाल ही में 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो उस मिशन का नाम है मिशन सागर। हाल ही में मिशन सागर को लॉन्च किया गया है 5 भारत के जो पड़ोसी द्वीप देश हैं उनकी सहायता करने के लिए। देखते हैं मिशन सागर, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है, जो मेडिकल सहायता टीमों के साथ साथ खाद्य वस्तुओं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गोलियां सहित कोविड संबंधी दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देश जिसमें मालदीव, मॉरिशस, सेसेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हो गया है। तो हिंद महासागर के जो द्वीप देश हैं उनको मिशन सागर के दौरान उनको सहायता पहुंचाई जाएगी भारत सरकार की ओर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11 मई को भारत ने कौन सा दिवस मनाया था? 11 मई, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया था 11 मई को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था भारत ने। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। ठीक है, 11 मई 1998 को पोकरण जो कि जैसलमेर जिला राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने चेचक पर डाक टिकट जारी किया है? चेचक के ऊपर डाक टिकट को जारी किया है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में चेचक के ऊपर एक डाक टिकट को जारी किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र की एक पोस्टल एजेंसी है जिसने दुनिया में चेचक के उन्मूलन को 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया है। मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया था 1980 में। इसके 40 वर्ष पूर्ण होने पर 2020 में एक डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेल रत्न प्राप्त किस एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है हाल ही में? तो आंसर इसका ऑप्शन सी है, दीपा मलिक, जो कि खेल रत्न प्राप्त पैरा एथलेटिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ये इनका फोटो है। भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली हैं एथलीट दीपा मलिक, जिन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। साथ ही दीपा मलिक पैरा ओलंपिक मेडल हासिल करने वाली भी पहली महिला खिलाड़ी हैं और वर्तमान में ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलिस पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने एलिसा जांच किट तैयार की है, उस जांच किट का क्या नाम दिया गया है एलिसा जांच किट को? तो आंसर इसका ऑप्शन ए है, यानी कि कोविड कवच नाम दिया गया है एलिसा जांच किट को। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ये इसका फोटो है, इस एलिसा जांच किट का कोविड कवच नाम दिया गया है इसका। पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी NIV ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रक्त में एंटीबॉडीज के आंकलन पर आधारित एलिसा जांच किट तैयार की है। इस जांच किट का नाम कोविड कवच नाम दिया गया है और देश में तैयारी पहली परीक्षण किट भी है। यह एलिसा आधारित परीक्षण करने में सक्षम है। एलिसा का पूरा जो नाम इसमें हो जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, इसका नाम होता है। एलिसा का उपयोग संक्रमणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिपुलेख और धाराचूला मार्ग चर्चा में है, यह मार्ग कौन सी धार्मिक यात्रा के लिए एक नया रास्ता है? लिपुलेख और धाराचूला मार्ग, तो आंसर इसका ऑप्शन ए है, यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हाल ही में भारत सरकार ने एक नए रास्ते का शुभारंभ किया है, लिपुलेख धाराचूला मार्क। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस मार्क के बारे में। भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हाल ही में एक नया रास्ता लिपुलेख धाराचूला मार्ग की शुरुआत की है। लिपुलेख धाराचूला मार्ग उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है।
इस मार्ग की लंबाई रखी है जो 80 किलोमीटर है। नया रास्ता लिपुले को धाराचूला से जोड़ता है। इस मार्ग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चेस ऑनलाइन नेशंस कप 2020 को जीता है, जो कि फिडे ऑनलाइन नेशंस कप 2020 भी कहा जाता है इसे। तो आंसर इसका ऑप्शन डी है, यानी कि चीन देश ने हाल ही में फिडे ऑनलाइन नेशंस कप 2020 को जीत लिया, जो कि चेस का एक ऑनलाइन टूर्नामेंट होता है। ये इस गेम का लोगो है, फिडे चेस डॉट कॉम ऑनलाइन नेशंस कप, जो कि 5 से 10 मई के बीच में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। आंसर इसका ऑप्शन डी है, मूडीज रेटिंग एजेंसी ने हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 0% के बता दिया है 2020-21 के लिए, लेकिन उन्होंने 2021-20 में भारत की वृद्धि दर को 6.6% पर पहुंचने का अनुमान भी लगाया है मूडीज रेटिंग एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एफआईआर आपके द्वार योजना को शुरू किया है। एफआईआर आपके द्वार, आंसर इसका ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों में जिसमें इंदौर और भोपाल में एफआईआर आपके द्वार योजना को शुरू किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है एफआईआर आपके द्वार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। फेड कप हार्ट अवार्ड, इसमें नामित होने वाली पहली खिलाड़ी थी इसमें सानिया मिर्जा, और उन्हें ही फेड कप हार्ट अवार्ड हाल ही में मिला है। भारत टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई है। सानिया मिर्जा जो कि 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता भी हैं, सानिया 2016 के बाद पहली बार इस साल के लिए फेड कप टीम में शामिल की गई थी, और उन्होंने अंकित रैना से साथ मिलकर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को फेड कप के प्लेऑफ में पहुंचाया था। ITF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने फेड कप हार्ट अवार्ड की शुरुआत 2009 में की थी, और 2020 का पुरस्कार जीतने वाली खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, और पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है इस पुरस्कार को जीतने वाली। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। PDF लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जहाँ पर सारे PDFs एक जगह पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, स्टे होम स्टे सेफ।